देखो, मैनोमीटर एक डिवाइस है या एक टेक्निक है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर मेजर करता है, लेकिन गैस का, एटमॉस्फेयर नहीं, गैस का प्रेशर मेजर करता है। अब गैस का कैसे प्रेशर मेजर करता है ये देखो। मान लो ये कंटेनर है जिसमें कि गैस है, ठीक है, ये ओपनिंग कर देते हैं थोड़ी सी, ये गैस है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब नीचे जा रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है, फिर ये ऊपर घूमेगी ऐसे और फिर ऊपर जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये इसमें गैस है, तो ये रही गैस। आपको गैस का क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, ठीक है, यहाँ तक गैस का प्रेशर निकालना है। अब क्या करते हैं, इसमें ना मरकरी डाल देते हैं, ट्यूब में मरकरी है। जैसे ही गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसमें गैस का प्रेशर होगा, वो क्या करेगी, इस मरकरी को नीचे पुश कर देगी। तो मरकरी का लेवल आप ऐसा देखेंगे, ऐसा हो गया, एक तरफ से मरकरी दब गई, एक तरफ से ऊपर उठ गई, ऐसा दिखेगा आपको। जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा, ये लिक्विड मरकरी उतनी आगे मिलेगी आपको, राइट। यहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर है। अब आपको क्या निकालना है, गैस का प्रेशर निकालना है। जब भी गैस का प्रेशर निकालना है, आप एक काम करें, जहां मरकरी खत्म हुई और गैस स्टार्ट हुई, वहां एक लाइन खींच लें, वहां एक लाइन खींच लें। मैंने लास्ट टाइम बताया भी था आपको, जो प्रेशर डिस्कस हो रहे थे, जब आप लाइन खींचते हैं तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट है वो बी है। ए और बी सेम प्रेशर के पॉइंट्स हो जाते हैं, इक्वल प्रेशर के पॉइंट। क्यों? क्योंकि नीचे भी उतनी मरकरी है, नीचे उतनी मरकरी है दोनों तरफ से, तो उसको लेने का मतलब तो है नहीं, सेम लेवल की मरकरी नीचे। तो ए पॉइंट का प्रेशर एंड बी पॉइंट का प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है, सेम, ठीक है। अब ए पॉइंट पे प्रेशर कौन लगा रहा है, गैस लगा रही है, क्योंकि यहां तो गैस है, तो यहां पर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, गैस, ठीक है, ये गैस प्रेशर लगा रही है। नेक्स्ट है बी पॉइंट पे प्रेशर के लिए आपको ना मरकरी की हाइट मेजर कर लेनी है। तो बताओ बी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, और डेंसिटी किसकी, मरकरी की, तो गैस का प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अभी हमने किया, स्टैंडर्ड है, और हाइट आपको यहां से पता लग जाएगी, डेंसिटी और मरकरी और जी सब कुछ पता है, आंसर क्या, ये पॉइंट क्लियर है। अब ये बताओ कि जो गैस का प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, ये एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है, या फिर गॉज प्रेशर है, ये रहा, ये लो आंसर। तो एक गॉज प्रेशर या गेज प्रेशर क्या होता है, गैस का प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे काम कर रही है। यहाँ तक क्लियर है,
इसके ऊपर ना अगर कोई एग्जाम्पल आया, ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम्पल आया तो ऐसा कुछ आ सकता है मैनोमीटर का। देखो आपके इस एग्जाम्पल में उसने क्या किया, गैस ले ली, नीचे सिर्फ गैस नहीं ली, गैस के नीचे ऑयल भी ले लिया, गैस और ऑयल, और ये जो है ट्यूब है यहाँ तक है, तो यहाँ पर ये मरकरी है। अब प्रॉब्लम ये है, आपको गैस का प्रेशर निकालना है। गैस का प्रेशर, गैस जितना प्रेशर लगाएगी वो किस पे लगाएगी, ऑयल पे। ऑयल कहाँ लगाएगा, मरकरी पे। मरकरी का लेवल ऐसे हो जाएगा, राइट, क्लियर है। तो गैस का प्रेशर क्या होगा वो निकालने के लिए पहला काम ये करें, जहां मरकरी का इंटरफेस ये वाला, जहां ये एक लेवल पे है, लाइन खींच लें, रूल वही लगाएं कि ए पॉइंट का और बी पॉइंट का प्रेशर एग्जैक्टली सेम है। लगा लिया। अब ये बताओ कि प्रेशर की वैल्यू बी पॉइंट पे क्या होगी, यहां पर क्या है पी, एटमोस्फेयर, तो बी पॉइंट पे प्रेशर होगा ये 1.5 है, तो ये हाइट भी कितनी है, 1.5 है, तो बी पॉइंट का प्रेशर होगा पी एटमोस्फेयर प्लस टोटल हाइट क्या है 1.5 प्लस 0.75 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, ऐसे ही होगा। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर भी और एच जी भी लगा दिया यहाँ पे, बी पॉइंट का प्रेशर आ गया। अच्छा ए पॉइंट का प्रेशर बोलो क्या होगा, ए पॉइंट पे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऑयल, ये ऑयल ही ऑयल है। ऑयल की हाइट ए पॉइंट से वर्टिकल हाइट कितनी है, 1 प्लस 1.5 2.5, तो क्या आएगा यहां पर 2.5 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी प्लस पीछे से प्रेशर कौन लगा रहा है, गैस, गैस भी लगा रही है और ऑयल भी लगा रहा है। तो यहां पे इन्हें इक्वेट कर लेना, आपको डेंसिटी सारी गिवन होगी, एटमोस्फेरिक प्रेशर गिवन होगा, यहां से प्रेशर ऑफ गैस कैन बी कैलकुलेटेड।